भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। लिंदरा जी गांव कुराड़ से किसान यूनियन का प्रवक्ता हूं जी। क्या मामला पूरा? मारे जी जो सरसा ब्रांच टूट रहे और अंदर डोबा में फसल मन लाई रही, जाके सोका मन लाई रही जी। आम पानी बदला रहे हैं जी, सेक्रेटरीट में डीसी तक भी मिलका है और ये वैसी कह रहे हैं जी। महाराज मां बर्बाद हो रहे हैं पानी पीने जी, मां सोखा में सहन नहीं हो गया मार भाजी। कितने दिन हो गए ये नहर हो गए जी? 4-5 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए जी। 30 नहर टूटी थी, इस पर कोई गौर नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। किस जगह तक टूटी थी ये? मुंदड़ी से टूटी है जी, पता नहीं तुड़वाई है सरकार ने या टूट रही है। मारी तो लेखे तुड़वाई रखी है जी, जो हमारा पानी नहीं मिल रहा जी, हमारी तो फसल सूखन लग रही है पानी बिना। इनकी 2-3 दिन का टाइम लिया जी, नहीं फिर इस तरह बड़ा संघर्ष करांगे और धरना चालू करांगे जी। तो चंदाना हेड पे गुरनाम सिंह सहारण, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या मामला है पूरा? ये मामला है लगभग 3-4 दिन से जो सरसा ब्रांच है वो टूटी हुई है और जिसके कारण विशेषकर कैथल जिला प्रभावित है, क्योंकि जहाँ से नहर टूटी मुंदड़ी के पास से जो पुल नीचे गिरा है वहाँ के किसान की फसल बर्बाद होगी ज़्यादा पानी होने के कारण। और जो आगे के किसान हैं, चाहे वो कलायत का है, कैथल का है या आगे इसार तक इसका पानी जाता है सरसा ब्रांच का, उसकी फसल बर्बाद। जब आज फसल को पानी की आवश्यकता है, उसकी फसल बर्बाद है बगैर पानी के। और अभी हम डीसी साहब से भी मिलकर के आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसके ऊपर संज्ञान लूँगा और इसकी त्वरित कार्रवाई करवाऊंगा महकमे से। और वो सर जो बुटाना नहर है ना, उसके नीचे से पिलर उठा करके उस साइपन वगैरह जो डालने हैं तो वो तैयार करने लग रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हम तैयारी कर रहे हैं और ये जल्दी हो गए, 1 सप्ताह का समय लिया है। लेकिन अगर सप्ताह तक भी ये सुचारू रूप से पानी किसान को नहीं मिला तो हम एक बड़े एजिटेशन की ओर चले जाएंगे। मैं सुरेंद्र चौसाला भारतीय किसान यूनियन 89 से जनरल सेक्रेटरी कैथल। देखिए समस्या ये है, जब किसानों को ज़रूरत होती है पानी की उस समय पानी नहीं पहुंचाते, जब बिजली की ज़रूरत होती है बिजली नहीं देते, और जब आ जाती है बात मुआवजे की तो मुआवजा उनको टाइम पर मुहैया नहीं करवाया जाता। यह समस्या पिछले साल जो गुलाबी सुंडी के कारण जो बाड़ी की फसल खराब हुई थी आज तक उसका मुआवजा नहीं है कैथल ज़िले के अंदर। दूसरी बात, जो पराली की गांठे बनवाता था किसान तो उसको सरकार को एक हेल्प कर रहा था कि ताकि प्रदूषण भी ना हो और सरकार की भी मदद हो जाए, उसमें सरकार ने अनदेखी की है। जिन साथियों ने वो गांठे बनवाई थी उनका आज तक कोई पैसा नहीं है कैथल ज़िले के अंदर। तीसरी बात आती है हमारे नहरी पानी की, नहरी पानी की बात है जो हमारी सरसा ब्रांच है ये टूटी हुई है, ये किन कारणों से टूटी है वो बाद की बातें हैं। मौके के ऊपर क्या होना चाहिए कि आज तक ये बन जाना चाहिए था जो इनका सिस्टम है, मतलब नहर का बांध बनाने का, तो ये आज तक तैयार हो जाना चाहिए था। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम कैथल डीसी साहब से मिले हैं और अब एससी साहब से भी बात करने के लिए हमारी 5 सदस्यीय कमेटी गई हुई है, वो भी उनसे बातचीत करके आपके बीच में बात रखेंगे। लेकिन समस्या है किसानों की, तो किसान तो भाई जागरूक है, अपनी समस्याओं को लेकर के आएगा, तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का निदान करवाए और समस्या दूर हो जाए। मैं सतपाल दिलनावाली, प्रदेश कोषाध्यक्ष हरियाणा। मामला ये है जी, हमारी आज मासिक मीटिंग होती है हर महीने 4 तारीख को किसानों की समस्याओं को लेकर। आज उसी के तहत हमें हमारी कुछ मांगे थी, हमें डीसी साहब से भी मिले। एक तो जो नहर का मामला है, जो मुंदड़ी के पास सरसा ब्रांच नहर टूटी हुई है उसको लगभग 5 दिन हो गए लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एससी साहब तो दफ्तर में नहीं थे लेकिन टेलीफोन द्वारा उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है अभी एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाएगी, 2 दिन लगेंगे, भाई 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने भी कहा जी यहाँ पानी के कारण किसानों की फसल बर्बाद होगी और आगे जो सरसा रानिया तक पानी जाता है, जींद और कलैथ हल्का है जो, वो सूखे के कारण वहाँ बारिश नहीं हो रही है इतनी, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, भाई इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें।
एससी साहब ने कहा कि दो दिन का टाइम दे दो, मैंने 7 दिन का टाइम दिया जी, मैं 7 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जावे। दूसरी हमारी मांगे थी भाई जो पीआर धान है, कुछ ऐसी वैरायटी आएगी पीआर धान की जो 80 और 85 दिन में पक्कर तैयार हो जाती है और सरकार 1 अक्टूबर से उसकी खरीद शुरू करती है और वह पक्कर 20 सितंबर या 25 सितंबर को पक्कर तैयार हो जाए। मंडियों में किसान की पीआर धान को फिर ये लूटते हैं मिल के सेलर वाले। तो हमारी सरकार से अपील की हमने भाई इस अब की बार 20 सितंबर से पीआर धान की खरीद शुरू करें ताकि किसान को MSP घोषित मूल्य मिल सके और उसको किसी भी तरह का कोई हानि ना हो। और एक अपील हमें DC साहब से की है क्योंकि कैथल के अंदर पीआर धान के सेलर बहुत कम है और गूला चीका और डांड से भी जो परचेज करने के लिए सेलर वाले बुलाए जाएँ ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके, नहीं तो कैथल वाले सेलर वाले आपस में मिलजुल गए किसानों को पूरा भाव नहीं देते जिससे किसान घाटे में। DC साहब ने आश्वासन दिया है भाई मैं बाहर से बुलाऊंगा। एक हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी क्योंकि बारिश नहीं हुई हमारे कैथल हल्के में तो बिल्कुल नहीं हुई है, अब हुई है 2-3 दिन हो गए और अब तो कोई इसका फायदा भी नहीं, नुकसान ज़्यादा है। तो उन्होंने 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में घोषणा की थी वे किसान को दिए जाएंगे, लेकिन कैथल ज़िले में आज तक 2 रुपये भी किसी के खाते में उस बोनस के रूप में नहीं मिले हैं। सरकार से यही है भाई, सुक्की घोषणा ये जुमलाबाजी अब ना चलाओ, अब तो सिर पे इलेक्शन है, अब तो किसानों के खाते में ये पैसे जल्दी से जल्दी डाल दो, 2000 तो डाल दो, हमारी मांग तो 10000 रुपये प्रति एकड़ की है क्योंकि अब के सूखा पड़ा है और किसान को कम से कम 50% फसल का नुकसान हो चुका है उसकी और लागत भी बढ़ गई है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़िया, किसान अब के कमज़ोर हो गया। और एक गुलाब सुंडी पिछली साल गुलाबी सुंडी आई थी कपास के अंदर, बाकी हिसार सरसा जींद वहाँ तो मुआवजा मिल गया लेकिन हमारे कैथल में कलैथ ब्लॉक है जो कुछ ही किसान कपास का उत्पादन करते हैं और उनकी गुलाबी सुंडी के कारण फसल बर्बाद हो चुकी थी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी उन्होंने अपनी फसल का ब्यौरा दिया हुआ था लेकिन उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार से हमने अपील करी है भाई उन किसानों को भी जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जावे। इन्हीं मांगों को ले गए हमें ज्ञापन देकर आए हैं मुख्यमंत्री के नाम, अगर इन पे जल्दी से जल्दी इन मांगों पर विचार विमर्श करके समाधान नहीं निकाला तो आने वाले समय में हमें आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर शासन और प्रशासन हमें दोषी ना ठहराए।